हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स मिस्टर एंड मिसेस किचन। और मैं हूं सुमित। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कोरमा, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट से। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये छोटा सा बेल आइकॉन है, उसे भी हिट कीजिए ताकि मेरी आगे की हर एक नई रेसिपीज की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, जो कि फ्री है। चिकन कोरमा बनाने के लिए हम ले रहे हैं 500 ग्राम चिकन, 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा कप दही, सोग्ड 4 काजू, 4 आलमंड जो कि हम पेस्ट बना के यूज करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक बड़ी साइज की प्याज जो कि हमने स्लाइस कर लिया है या फिर 2 मीडियम साइज प्याज हो, एक तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून शाही जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 3 टेबलस्पून घी और नमक स्वादानुसार। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने डाले हैं 1 टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम गरम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून घी डालेंगे, जिसमें प्याज ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जो कि हमें इसकी फाइन पेस्ट बनानी है। अभी उसी घी में हम इलायची, लौंग, तेज पत्ता और जीरा डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। और अभी उस पर अपना मैरिनेट चिकन डाल के थोड़ा मिक्स करेंगे और उसको 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको 5 मिनट तक थोड़ा पकाएंगे। अभी हम अपना ड्राई मसाले जो है ना, उसका 50% हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि हम आधा बाकी का हम दही में यूज करने वाले हैं। और इस पे थोड़ा नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक कुक करेंगे। थोड़ा अभी इस दही में हमारा जो बचा हुआ 50% मसाला है उसको हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी, धनिया पाउडर, और उसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाएंगे, जो कि हमारा चिकन में वो ऐड कर सकते हैं। अभी वो मिक्सचर को इस पे ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो अच्छे से अभी हमारा 5 मिनट हो चुका है। इसमें अभी हमने जो ओनियन फ्राई किए थे उसका हमने पेस्ट बनाया है, इस पे अभी हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमारा काजू और आलमंड का पेस्ट भी डालेंगे और इसको 5 मिनट तक कुक करना है। ये देखिए, अभी इसमें जो ग्रेवी है, अभी तक पानी हमने डाला नहीं है, यूज ही नहीं किया है। जो ये ग्रेवी का जो पानी दिख रहा है वो सब चिकन से ही आया है। अभी हम 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर ऐड करेंगे
और लास्ट गरम मसाला ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कोरमा में ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से बॉईल करिएगा। मैं इस रेसिपी में एक बूंद पानी ऐड नहीं किया है। अभी हम इसे फ्राइड ओनियन से गार्निश करेंगे। इससे आप नान, पराठा या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हमारी ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम में टैग करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर।